नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिट शॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि जो कैनन 2900 जो लेज़र प्रिंटर है, उस प्रिंटर का जो कार्ट्रिज होता है, उस कार्ट्रिज में जो स्पेयर है जैसे कि पीसीआर रोलर, तो ये पीसीआर रोलर चेंज कैसे करते हैं आज इस पार्ट में हम देखने वाले हैं। बहुत ही आसान है, आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली इसका जो पीसीआर जो होता है, ये पीसीआर बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन जब आप बाहर मार्केट में उसको रिपेयर करवाने जाओगे तो आपको 250-300 रुपए तक खर्चा आ सकता है, ठीक है। जिसका मूल्य वो 100 रुपए से लेके 150 रुपए तक हो सकता है, फिर भी आपके 100-150 रुपए बच सकते हैं। तो देखते हैं, चलो फिर पीसीआर कैसे हम चेंज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये जो टोनर है, मैंने जैसे पहले कहा था कि ये जो हेड होता है और ये इसका जो बॉटम होता है, तो हेड की तरफ से अभी हमें ये टोनर को खोलना है। यहाँ पे दो स्क्रू लगे हुए होते हैं, तो पहले हम ये जो दो स्क्रू है उसे निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसका जो ये कैप होता है, इसको निकाल देते हैं, ठीक है। निकाल दिया, उसके बाद अभी हमें इसका ड्रम निकलवाना है, ठीक है। तो ड्रम निकालने के लिए ये जो पट्टी होती है, ये इसको थोड़ा सा पीछे खींच के इसको ऊपर उठाना होता है, ठीक है। इसको ऊपर उठाते हैं, बहुत ही आसान है, ये निकल गया। इसको खींच के पीछे की तरफ से ये आपका ड्रम निकल गया, ठीक है। ड्रम निकलने के बाद अभी इसके अंदर आपको ये पीसीआर मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पीसीआर रोलर है, और इस पीसीआर रोलर को हम देखिए इस तरह से हमें निकालना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, ये आपका पीसीआर है, ठीक है। तो ये पीसीआर अभी हम निकाल, इसे पहले साफ कर लेते हैं। देखिए, अब ये पीसीआर पे अगर कोई स्क्रैचेस है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नया पीसीआर डलवा ले, बहुत ही सस्ता होता है, ठीक है। अगर स्क्रैचेस नहीं है तो इसको भी आप साफ करके अच्छे से वापस लगा सकते हैं, ये बहुत ही आसान होता है। ठीक है, ओके। तो मैंने इसके अंदर वापस से पीसीआर लगा दिया है। पीसीआर एक्चुअली यहाँ पे प्रेस फिटिंग से फिटिंग उसका होता है, बहुत ही आसान है वो फिट करना, ठीक है। तो अभी मैंने पीसीआर लगा दिया, उसके बाद मैंने अभी हमें ड्रम लगाना होगा, तो मैंने अभी ये ड्रम भी, ठीक है, ये जो ड्रम है इसको भी मैंने लगा दिया है। ड्रम लगाने के बाद अभी मुझे लगाना होगा ये उसका जो साइड कवर होता है, वो जो कैप होता है वो, और उसके बाद हमें लगाना है उसका स्क्रू। ठीक है, तो मैंने अभी ये उसका पीसीआर अच्छे से फिट कर दिया है मैंने, ठीक है। अभी ये आपका टोनर जो है वो रेडी है प्रिंट निकालने के लिए, ठीक। तो इस तरह से आपको कैनन 2900 जो प्रिंटर है उसका टोनर कार्ट्रिज का ये जो प्रिंटर है कैनन 2900 या फिर एचपी 1020, इसका जो ये टोनर होता है 12A, इसको क्या करना है, पीसीआर आपको चेंज करना है, जैसे मैंने अभी दिखाया, बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को हमारे, ताकि आपको जो आने वाले हमारे नए वीडियो वो मिलते रहे। देखते रहिए हिट शॉट फिल्म्स। थैंक यू।